ये हो गया अपना सुबह का नाश्ता। का मार्च अप्रैल से शुरू हो जाएगा, इसके तीन को तोड़ेंगे तो है ना इसका चाय बनता है। आ चुकी है अपनी चाय, बाय बाय। गार्डन में बैठ के ना सर के तीनसुकिया पहुंच चुके हैं। तो भाई ये था वो गुरुद्वारा, सुबह परसों से ना हम ये गुरुद्वारे में रखे हुए थे। ये मेरे रूम मिला हुआ था जो कि देखा होगा आपने। अब सामान वगैरह पैक हो गया। जो मेरा एक बैग था ना, दिक्कत ही आ रही है। मेरा जो एक बैग था ना बड़ा वाला, वो मैंने घर भेज दिया इसमें सबका सामान रख के। अब मेरे को दिक्कत आई साइकिल के ऊपर, उसमें मेरा लैपटॉप रहता था सेफ ना। अब लैपटॉप छोटे वाले बैग में रखना पड़ा था। इसमें देखो डबल कंबल वगैरह लगाए हैं, ये पन्नी वगैरह आगे रखना पड़ रहा है। तो यार डर लग रहा है कि लैपटॉप वगैरह फूट ना जाए, क्योंकि उस बड़े वाले बैग में ना कपड़ों के अंदर सेफ रहता था। तो अब दिक्कत आई, देखते हैं रखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा क्या कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बाहर साइकिल की तरफ और करते हैं सामान को लोड, फिर निकलते हैं यहाँ से डिब्रूगढ़ से। डिब्रूगढ़ में आज हमारा तीसरा दिन है। आप निकलेंगे यहाँ से तीनसुकिया की तरफ। गुरुद्वारे से निकल रहे हैं अभी, और ये हो गया अपना सुबह का नाश्ता, मिल गया है गुरुद्वारे में। तो ये था गुरुद्वारा लखीमपुर वाले से बड़ा था ये गुरुद्वारा जो है। अभी निकलेंगे बाहर, वो रखा सारा सामान। तो चलिए करते हैं अभी नाश्ता। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू नई ब्लॉग। स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और अभी हम रुके हुए हैं डिब्रूगढ़ के गुरुद्वारे में। परसों हम डिब्रूगढ़ आ गए थे तो दिखाया, अभी रूम से हम सामान लेके बाहर आ गए हैं और सभी ने नाश्ता वगैरह कर लिया। नाश्ते में हमें लेते चने, देखा आपने, चाय वगैरह पी लिया। और ये रहा अपना सामान ना। तो आज देखो सामान लोड करने में दिक्कत होने वाली, क्योंकि ऊपर वाला बैग अपना जा चुका है और वजन इसका सबसे ज़्यादा कम हुआ, इसका 7 किलो कम हुआ, मेरा 3 किलो 4 किलो। वजन तो कोई खास कम नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा भजन बाबा जी का, सबसे ज़्यादा भजन कम। देखो इसके बैग देखो, एकदम ऐसा पोलियो मार गया, ऐसे खाली हो गए पूरे। ये बंदा का वजन हल्का हो गया, तो आज ये 200 की स्पीड में भागने वाला है। और मेरा वजन बढ़ गया क्योंकि मेरा सारा सामान इन बैगों में आ गया है। तो ये रख के ना लैपटॉप की दिक्कत होने वाली है, क्योंकि लैपटॉप छोटे वाले बैग में रखना है। तो देखते हैं कैसा होता है सेटअप, अभी दिखाते हैं। वो खड़ी अपनी साइकिल लेके, अभी सामान को करते हैं लोड, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। भाई निकलते हैं यहाँ से बाहर, अब बहुत अच्छा टाइम व्यतीत हुआ हमारा गुरुद्वारे में। खाना आना साहब एकदम मस्त। चलिए निकलते हैं ये गैली और बाहर। अब आ गए हम डिब्रूगढ़ के रोड पे, निकलते हैं बाहर। तो भाई आ गए मेन रोड पे। चल भाई लखीमपुर चलाए बाजार। भाई तीनसुकिया यहाँ से 45 किलोमीटर और मोहन बारी एयरपोर्ट है 15 किलोमीटर। सो डिब्रूगढ़ सिटी से बाहर आ गए और देखो दिखे हमें बहुत बड़े टी गार्डन। तो बाबा जी निकल आए इधर वीडियो बनाने के लिए। भाई एक मिनट, हमें रुके हुए थे यहाँ पर, टी स्टेट था ये, भोकेल टी स्टेट। तो यहाँ भैया काम करते हैं जो कि हैं बिहार, कहाँ से? बिहार मुजफ्फरपुर से, जहाँ से हम आए थे मुजफ्फरपुर से। तो भैया बताएंगे चाय की पत्ती के बारे में, हमें पता नहीं कितनी बार टूटता है, कितनी बार आता है, पानी वानी कैसे लगता है। इसमें क्या है भैया आपका, इसमें पानी मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। जितना बार जितना अच्छा बारिश होगा उतना ही पत्ता मतलब इसमें निकलता है। हालांकि पकड़ लीजिए अभी इसको काटा हुआ है, इसमें अभी काटा है, जैसे इसको अभी आने में अभी टाइम लगेगा, 2-3 महीना और लगेंगे। आपका मार्च अप्रैल से शुरू हो जाएगा इसका टूटने वाला काम। और टूटते समय कम से कम 1 हफ्ता बाद फिर से इसमें पत्ता आने लगेगा। अच्छा, उसके बाद फिर आपका नवम्बर तक पे क्या होता है, फिर इसको काटेंगे, फिर से इसमें मतलब नया पत्ता, जो पहले वाला पत्ता है ना बहुत टाइट हो जाता है। अच्छा, इसमें मेन कली होता है, जो कली से ही काम होता है। अच्छा, जो मुलायम पत्ता होता है उससे चाय बनता है। एक्चुअली हम दिखा रहे हैं आपको, देखो मुलायम पत्ता यहाँ पे आएगी, जैसे ये हो गया तीन, इधर से बताइए, उधर से ना, इधर लाइट पड़ रहा है। हाँ, जैसे तीन हो गए। ये तीन को तोड़ेंगे। ठीक बस अच्छा ये ऐसे तोड़ा जाता है ना, बस इसको ये वाले पत्ते की चाय नहीं बनता है। अच्छा, ये वाले जैसे कि ये बहुत टाइट हो गया ना, ये नाजुक वाला पत्ता चाहिए बस। अच्छा, तो ऐसे पत्ता तोड़ा जाता है ना, इसका चाय बनता है। तो इसके चाय कैसे बनता होगा, मतलब इसको तोड़ के ले जाते हैं फैक्ट्री में, इसको सुखाना पड़ता है। अच्छा, उसका सुखाने के बाद इसको कटिंग होता है, और नॉर्मली जैसे सीटीसी हो गया, आपका ऑर्थोडॉक्स हो गया, अच्छा उस टाइप से मतलब चलता है। सीटीसी वाला अलग तरह की चाय है ना, सीटीसी जो हम लोग नॉर्मल जो खाते हैं वो सीटीसी हो गई। जो ऑर्थोडॉक्स होता है उसको भी खाली लाल चाय के लिए यूज करते हैं। अच्छा, जैसे उसमें हो गया आपका बड़ा बड़ा थोड़ा दाना होता है, जैसे इसको तोड़े ना, ठीक तो इसको ज्यादा नहीं, यहाँ से बारीकी से मतलब 2-3 इसको यहाँ से तोड़ेंगे, इसको यहाँ से कटिंग के ऊपर है वो मशीन में फिक्स रहता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इसको सुखा के मतलब कोई टेम्परेचर का हिसाब से टूटाता है, उसी से हो जाता है। और ग्रीन टी कैसे बनता है, ग्रीन टी के बारे में पता है आपको? वो तो नॉर्मली हमको उतना पता नहीं है। अच्छा, तो मतलब जो ग्रीन टी होता है वो यही पत्ता का ही होता है, इसी पत्ता का होता है। हाँ, अच्छा, लेकिन उसका जो क्वालिटी होता है वो अलग होता है।
अच्छा ये बताओ दार्जिलिंग में भी था, यहाँ पे दार्जिलिंग में अलग अलग होता है क्या चाय पत्ती, ये एक ही पौधा एक ही होता है? ये पौधा जो होता है चाय पत्ती का पौधा एक ही होता है। अच्छा उसमें जैसे ब्रीड के ऊपर बात है। अच्छा अच्छा जैसे हम लोग में भी होता है ना इंसान में। बिल्कुल 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 उसी टाइप का बनाने का तरीका थोड़ा अलग, तरीका अलग क्योंकि उसमें कलर कम आता है ना। दार्जिलिंग वाली टी भी देखी थी मैंने। इसमें क्या आते हैं खर्चा वर्चा क्या आता है, मतलब खाद पानी वगैरह ये चीज, मतलब इसका मेंटेनेंस कैसे रहता है? पानी लगता है या खाद और भी कुछ लगाना पड़ता है इसमें? इसमें तो आपको पकड़ लो महीना में दो महीना में ऐसे करके इसमें मतलब क्या होता है कीड़ा मारने वाला जो दवा है ना उसका छिड़काव करते हैं। अच्छा अच्छा अभी ये सब में पौधा में मतलब कीड़ा मकोड़ा ये सब ना लगे। अच्छा कीड़ा भी लग जाता है इनमें ना? हाँ कीड़ा लग जाता है ना तो आपका जो पत्ता हो गया ना ऐसा बिल्कुल ऐसा हो जाता है कीड़ा लगने से खराब हो ये है इसमें। और इसमें थोड़ा सा मतलब वो भी दवाई भी डालते हैं खाद। अच्छा खाद वैसा वाला गोबर वगैरह वाला? गोबर वाला ना, वो गोबर वाला नहीं चलता है यहाँ पे। अच्छा वैसा वाला वो आपका हो गया जैसे कि कोई कोई केमिकल भी डालते हैं बिना के लिए और जो ऑर्गेनिक वाला ऑर्गेनिक भी होता है प्रोसेस अलग होता है वो थोड़ा कॉस्टली आता है महंगा कॉस्टली आता है उसमें जैसे कि गाय का मूत्र ये गोबर हो गया वो सभी डालते हैं जैसे आपका हो गया पत्ता होता है जला उला के सब बिल्कुल बिल्कुल इस टाइप को बनाते हैं। देखो यार यहाँ पे लोग आते हैं ना देखो बहुत कूड़ा कचरा फैल के आते हैं यार ये मत भारत है ये मत फेंका करो भाई। देखो ये घर में पी सकते थे उठा के पिया चलो उठा के ले आ सकते थे डस्टबिन में डाल ना यहाँ पे वही तो कह रहा हूँ मैं बता वही तो कह रहा हूँ कितना खूबसूरत जगह लोग देखने आएंगे बताओ क्या ये कचरा कर रखा है। देखो यार ये मत किया करो यार इंसान हो जानवर हो तुम बताओ जानवर तो नहीं फैलाते इंसान ही फैलाते हैं। इसको ले जाते साथ में पिया चलो वो अपने अपने शौक हैं लेकिन इसको उठा के ले जाओ साथ में कूड़ेदान में डालो तो ठीक है। थैंक यू भैया बहुत बहुत बताने के लिए आपको। अच्छा अच्छा उसको फिर से मतलब नया पौधा लगाएंगे। अच्छा तो भैया बता रहे थे ये 200 साल पुराना हो गया तो देखो इतने इतने साल पुराने टी गार्डन इतने साल तक पौधा चलता है अब इसको उखाड़ के नया लगाया जाएगा और ये कटिंग करी जाती है जड़ से काट देते हैं वो ना उसको डायरेक्ट उखाड़ के उन लोग। अच्छा कटिंग करने के लिए पत्ते के लिए कटिंग किया जाता है जैसे इसको हटाना है नया मतलब लगाना है ठीक तो उसको पूरा फिर से जैसे हम लोग वहाँ में गन्ना का खेत जो वो करते हैं ना बिहार दूसरे साइड में उस तरह उसको हटाएगा फिर से उसमें पकड़ लीजिए एक दूसरा एक इसको बोलता है गुटी माला बोलता है इसको। अच्छा और जो पौधा दिखाई दे रहा है ये उठने के बाद उसको लगाएगा। अच्छा वो लगाने के बाद क्या होता है उसमें जो नॉर्मली जो जैसे कि हो गया आपका मिट्टी अच्छा हो जाता है उसका काटिंग करेंगे वहीं पे छोड़ देंगे उसको। अच्छा तो मतलब ऑर्गेनिक टाइप का काम आ गया। ओके तो मतलब 100-150 साल चल जाता है 150 साल है ना लगभग 150। अच्छा वो नया पौधा है? वो ये नया पौधा है ज्यादा दिन नहीं हुआ। अच्छा ये भी नया पौधा करीब आपका 15-20 साल हो रहा है। अच्छा हाँ नया लग रहा है इसका ये 15-20 साल हो रहा है। तो देखो भैया यहीं पे काम करते हैं भैया ने काफी अच्छी जानकारी दी चाय पत्ती के बारे हमको नहीं पता था तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। देखो भाई हमें ले जा रहे हैं दिखाने ले जा रहे हैं यहाँ पे चाय पत्तियाँ तोड़ा जाता है ना बास्केट में तो देखते हैं अगर वो मिलते हैं तो दिखाएंगे आपको कैसे पत्तियाँ तोड़ा जाता है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये कुछ ऐसे ज्वार और वो बाजरा होता है ना इस टाइप में कुछ फसल है ये एग्जैक्टली नाम नहीं पता। और इधर देखिए घर बने हुए हैं जो कि लोग यहाँ काम करते हैं यहीं पर रहते हैं भैया ने बताया 18 साल से वो यहीं पर यहीं पर देख रेख करते हैं इनकी गार्डन की स्टेट के। और धूप ना आज बहुत है जैसे अपने एकदम होली के बाद मार्च के बाद अप्रैल में होती है ना ऐसे धूप है गर्मी अभी से देखो जनवरी में गर्मी आ गई इधर। तो देखो यहाँ ना यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना जो इनकी देखभाल करते हैं टी फार्म की देखो कितने अच्छे फ्लावर वगैरह ना लगा रखे हैं इधर कितना सुंदर लग रहे हैं देखो फूल। और ये रहा पूरा टी स्टेट आज एकदम धूप निकला हुआ है तो बहुत ही क्लियर आ रहा है। सो भाई टी गार्डन हमने देख लिया और भाई ने बहुत ही यूजफुल जानकारी दी अभी हम जा रहे हैं बाहर की तरफ तो भाई ने बोला है ना यहाँ सामने जो भोग के जो टी स्टेट है इनकी एक टी फैक्ट्री भी है तो अगर वो जाने देंगे तो देखेंगे वहाँ पर चाय कैसे बनती है बताने की कोशिश करेंगे आपको फैक्ट्री में चाय कैसे बनाया जाता है। पहले के लोग तो ना तो चाय को पत्ती को तोड़ के काट के ना ऐसे यूज कर लिया करते थे सुखा के लेकिन फैक्ट्री में चाय बनाई जाने लगी कलरफुल थोड़ा। तो चलिए चल रहे हैं हम और यहाँ पर भाई ने बताया ना यहाँ पर इन चाय बागों में ना तेंदुआ जो होता है ना तेंदुआ वो पाए गए थे बता रहे थे 5 तेंदुआ पकड़े गए थे कुछ दिन पहले भाई ने मेरे को वीडियो में दिखाया तो बोल रहे थे यहाँ पे जंगल में से ना तेंदुआ वगैरह भी आए थे काफ़ी खतरनाक है यहाँ पर रात में घूमना। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे। तो देखिए हम जा रहे हैं तिनसुकिया की तरफ और ये देख सकते हैं यहाँ पे खड़ी है ट्रेन यहाँ पे ट्रेन की पटरी और रोड ना साथ साथ चल रही है जैसे सिलीगुड़ी में थे और पीछे था डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन और डिब्रूगढ़ टाउन दो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर जहाँ से कि इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन चलती है इसकी की लंबाई है आई थिंक 4 से 4,500 किलोमीटर की जो ट्रेन है वो डिब्रूगढ़ से चलती है सबसे लॉन्गेस्ट
और पिछली वीडियो में दिखाया था मैंने आपको थोड़ा सा डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन। सो रास्ते में एक सर मिले थे कार वाले, उन्होंने यहाँ टी गार्डन में उनका घर है वहाँ पे चाय के लिए बुलाया सर ने, तो अभी आए हुए चाय पीने के लिए उनके पास। तो ये थी वो जगह, बहुत ही खूबसूरत सी ये जगह है, यहाँ पर सर का घर बना हुआ है, एकदम इको फ्रेंडली। देखो यार कितने अच्छे यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह, एकदम शांतिफुल पीसफुल है सभी कुछ, ये सर ने बनाया है। सर ने बुलाया मैं चाय के लिए, थैंक यू सर। हेलो और भाई पहले ही बैठ चुके हैं। हेलो हेलो नमस्ते। मैं किसी को नाम से नहीं जानता, रास्ते में लिखा बोल रहे हरियाणा से आ रहा है, तो मैंने सोचा कि साइकिल मैं आसाम से हूँ लेकिन इनके साथ आ रहा हूँ। हाँ ये आसाम से, कहाँ से? लखीमपुर से। अरे हमारा भी घर लखीमपुर में है। लखीमपुर में पुराना घर हमारा नारायणपुर में है। भाई इधर आ चुकी है अपनी चाय, और आसाम के टी गार्डन में ना पहली बार चाय पी रहे हैं हम। अभी आप लोग कैंप करोगे क्या? जहाँ भी जहाँ मैं जा रहे हो वहाँ में कैंप कर रहे हो ना? नहीं, अगर गुरुद्वारा होगा तो गुरुद्वारे में रुकेंगे। आज आप लोग कहाँ से शुरू किया? हम लोग आज डिब्रूगढ़ से। डिब्रूगढ़ से किया। बैठो बैठो बस, ठीक है ठीक है ठीक है। आप आप काफी है। नहीं नहीं ले जाओ। इनका नाम क्या है? ये जैक है, झील है वो, झील है। इसका नाम झील है ना? और ये जैक। हेलो जैक भाई, साइड चेक साइड जैक। पहले थोड़ा एक्सरसाइज लेते हैं फिर। हाँ हाँ हाँ, चलो दिल भागो, पुली भागो, पुली जाओ जाओ जाओ। भाई अभी निकलते हैं हम, हाय वगैरह हो गया है, इनको ही बोलते हैं बाय बाय। कैमरा सुगाई सर ने हमें टी के लिए इनवाइट किया था, और आसाम के टी गार्डन में बैठ के ना सर के साथ सर के बंगलों में टी पीने का जो मजा आया वो एकदम एकदम अमेजिंग था। तो थैंक यू सर फॉर टी के लिए। और अभी हम निकल चुके हैं क्योंकि टाइम हो चुका है, 3 बज चुका है, और डिस्टेंस अभी हमें जो कवर करनी है वो है 35 किलोमीटर तिनसुकिया के लिए। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से हम। और ये जो टी गार्डन थे वो टाटा के थे, और सर ने ना काफ़ी सारी जानकारी दी हमें अच्छी अच्छी, तो काफ़ी मजा आया उनके साथ। तो अब निकलते हैं तिनसुकिया की तरफ हम। तो भाई अभी यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे हमारा कुछ असम टॉक कोई न्यूज वाले थे, वो हमारा इंटरव्यू ले रहे थे थोड़ा। सो यहाँ से तिनसुकिया है 8 किलोमीटर। तो गाइस हम तिनसुकिया पहुँच चुके हैं, तिनसुकिया से के लिए जो दूसरा वाला जो रास्ता जा रहा है इधर से जाता है तिनसुकिया के लिए, और तिनसुकिया अभी यहाँ से जो सिटी है वो है 7 किलोमीटर। तो गाइस सामने हमें दिख गया है गुरुद्वारा। तो भाई आराम से आज राइड किया ना, बहुत आराम से, और आराम से राइड करते करते सिटी में घूमते हुए थोड़ा लंबा टर्न ले लिया था 2 किलोमीटर का ना, तो पहुंच चुके हैं हम गुरु सिंह आसाम श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा। तो अभी अंदर पता करना है यहाँ पे रुकने की जगह मिलती है या नहीं, तो जो भी होगा बताएंगे आपको थोड़ी देर में। तो भाई तिनसुकिया में रुके हुए ना, यहाँ पर देख सकते हैं यार कितनी सारी तरह की मिठाई है, और ये रसगुल्ला ना यहाँ पे अलग कलर का दिखता है, तो इसे हमें भी टेस्ट करते हैं, 15 रुपये का एक है। और इधर भी देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे यहाँ पे वैरायटी है रसगुल्ले की, और ये आ चुका है अपना रसगुल्ला। अभी तरह भाई ये खाया भी ना यार, एक नंबर, बहुत टेस्टी यार, ज़बरदस्त। पर ये करते हैं फिनिश इसको, फिर चलते हैं बाहर। तो भाई अपने लिए लिया है रबड़ी, और ये है 40 रुपये का महंगा आइटम। 40। सुबह ये था वो गुरुद्वारा आसाम श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा तिनसुकिया। तो यहाँ पे हॉल मिल गया, मैं हॉल में सामान रख दिया, तो अभी चलते हैं गुरुद्वारे के अंदर। यहाँ पे थोड़ा सा हमने रसगुल्ला खाया वगैरह खाया था हल्का, क्योंकि भूख लग रही थी, और बताया गुरुद्वारा वो रंगर होता है यहाँ पे जो कि 8 बजे होगा, तो अभी बजा है 6:15 और भूख लगी बहुत तेज, तो देखते हैं 8 बजे तक रह पाते हैं नहीं रह पाते। तो चलिए चलते हैं गुरुद्वारे के अंदर, क्योंकि अभी वीडियो भी एडिट करना है।